नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये इससे पहले भी हमने इससे पहले के चार वीडियोस में यही कंपोनेंट बनाया है। आज भी हम यही कंपोनेंट बनाएंगे उन्हीं डायमेंशंस को फॉलो करते हुए, बट आज ये कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा सॉलिड वर्क्स 2018 वर्जन पर। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इसके बाद देखिए नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ से न्यू पर क्लिक किया मैंने, पार्ट हाईलाइटेड है, ओके पर क्लिक किया। देखिए इस तरीके से ये जीयूआई आपके सामने आता है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम ये तीनों प्लेन्स और ओरिजिन को सिलेक्ट करने के बाद फिर किसी एक पर जाकर राइट क्लिक करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं, तो ये प्लेन्स हमें परमानेंटली यहाँ पर नजर आने लगते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब हमें करना क्या, पहले तो हमें रिवॉल्व पोर्शन बनाना, पीछे वाला जो उस कंपोनेंट में आपने देखा था। तो रिवॉल्व कमांड पर क्लिक करता हूं मैं। रिवॉल्व पर जाने के बाद फिर इसके बाद मैंने ये राइट प्लेन लिया, ये राइट प्लेन इस तरीके से घूमकर मेरे सामने आ गया। अब यहां पर पहला काम क्या करेंगे कि हम एक सेंटर लाइन बना लेते हैं इस तरह से। ये सेंटर लाइन बन गई। इसके बाद देखिए हमें रिवॉल्व करने के लिए क्या प्रोफाइल बनानी है। यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, फिर ये हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड पे नीचे आए, और फिर इसके बाद यहाँ फिर इस तरीके से देखिए स्टेप्स बन रहे हैं और ऐसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैंने स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया, फिर इसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए डायमेंशन इसकी निकल कर आ रही है। यहाँ पर इसे प्लेस किया तो देखिए मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट आती है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 42 और एंटर प्रेस किया, देखिए इस तरीके से ये लाइन बड़ी हो गई। अब इसे भी मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते वक्त एक बात का आपको ध्यान ये रखना होगा, जब भी हम स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, देखिए जैसे इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर हमें क्लिक नहीं करना, हम इसके साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन हमें निकल कर दिखाई देगी। इसे हमने कर दिया 5 टाइप कर मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये लाइन जो है ये डिस्टेंस निकल कर आता है, इसे हमें करना कितना 6। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद इसे मॉडिफाई करते हैं, इसकी यहाँ वैल्यू देते हैं हम 35। इसके बाद ये देखिए ये जो लाइन है इसको हम इसे कर देते हैं कितना 2 mm, और उसके बाद ये लाइन जो आएगी हमारी ये आ जाएगी 15 की। इसके बाद आगे का काम देखिए क्या है, फिर से गए लाइन कमांड में, यहाँ से हमने एक लाइन और बना ली और स्मार्ट डायमेंशन में जाकर इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। देखिए लाइन, ये लाइन होगी हमारी 25 की। इसके बाद यहाँ से मैं सर्किल पर जा रहा हूँ, इस लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक किया, ये सेंटर हो गया हमारे लिए, और यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर क्लिक किया। इसके बाद ट्रिम पर जाकर क्लिक करता हूँ और ये देखिए ड्रैग करके मैंने पावर ट्रिम से इस हिस्से को रिमूव कर दिया। तो ये सेमी सर्कल हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया। अब इसके आगे देखिए इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, इसके बाद आगे आए, फिर एक स्टेप के लिए नीचे आ गए, फिर इसके बाद राइट हैंड साइड हो गए और यहाँ से नीचे आ गए। नीचे मैंने यहाँ पर कहीं से इसे जोड़ा नहीं है, ऊपर ही जाकर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन अप्लाई नहीं होना चाहिए यहाँ पर, केवल अभी ये जो वर्टिकल का साइन आ रहा है ये ठीक है, ये काफ़ी है। यहाँ तक ले आता हूँ तो यहाँ पे उसका वन साइड हो जाती है लाइन इस लाइन से, तो वो हमें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से फिक्स हो जाएगी, हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया मैंने, इस लाइन का जो साइज होगा ये होगा 40, और ये स्टेप जो होगा ये आ जाएगा नीचे 4 mm, और उसके बाद फिर ये लाइन होगी अभी लिखने की, ये हो जाएगी 35, और इसके बाद ये लाइन जो है हमारी हो जाएगी 30। इसके बाद यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया, यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है रिवॉल्व होकर हमारे सामने आ गया। चूंकि सेंटर लाइन हमने पहले से बनाई हुई थी तो देखिए रिवॉल्व हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। इसमें ये पोर्शन जो है रिवॉल्व पोर्शन है। इसके बाद हमें जो हेलिकल बेवल गियर का जो पोर्शन था वो हमें बनाना है, तो उसके लिए हम लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे, लॉफ्ट बेस ऑब्लिक बॉस, ये वाली कमांड हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, इसके लिए पहले तो हमें 3 सेक्शन बनाने होंगे। पहला सेक्शन हम इस
सरफेस पर बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया, फिर इसके बाद यहाँ स्केच पर क्लिक किया, फिर देखिए यहाँ पर मैसेज आता है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने इस वाली सरफेस को एज अ प्लेन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ क्लिक किया, देखिए UCS यहाँ पर आ गया, ये पोजिशन ले लीजिए। इसके बाद हम टाइप करेंगे कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8, देखिए कंट्रोल 8 किया तो ये इस तरह से हमको घूम कर दिखाई दे रहा है। अब सर्कल पर क्लिक किया, देखिए यहाँ सेंटर पर क्लिक किया और बाहर जाकर क्लिक किया, फिर सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर जाकर किया, तो दो सर्कल बन गए। बड़े वाले सर्कल की डायमेंशन हमने दे दी इसको 165 और छोटे वाले की दे दी हमने ये दे दी 110। डायमेंशन में वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियोस में जो है इस कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज़ की। हमने इसे इन्वेंटर पर बनाया, क्रियो पैरामेट्रिक पर बनाया, KTF V5 पर बनाया, NX पर बनाया, तो आज हम ये सॉलिड वर्क्स पर देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से मैंने अब ये 3-point आर्क लिया, ऑलमोस्ट एक जैसे मेथड है, बस थोड़ा बहुत प्रोसीजर में डिफरेंस होता है। देखिए दूसरा क्लिक यहाँ और ये तीसरा क्लिक ऐसे। मैं कंट्रोल जेड करके एक बार फिर से वापस आ रहा हूँ, एक बार फिर से इस स्टेप को देखिए। यहाँ से मैंने 3-point आर्क पर क्लिक किया, पहला क्लिक यहाँ नीचे, देखिए ये साइन आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है आर्क के साथ ये कंसाइड कर रहा है, जो ये देखिए टच हो रहा है यहाँ पे। और फिर ये जब ये जैसे ये सिंबल आता है तुरंत हमें क्लिक कर देना, उसके बाद तीसरा क्लिक ये ऐसे, तो ये लाइन ये सॉरी आर्क बन जाती है यहाँ पर। अब इस आर्क को जो है हमें कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से। ये इस पॉइंट पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद इस प्लेन पर क्लिक किया, दोनों के बीच की डायमेंशन जो है जो गैप है वो है 8, देखिए आगे। इसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक किया और इस प्लेन पर क्लिक किया, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 18 और इस रेडियस की जो वैल्यू है ये है 65। तो ये तीनों पैरामीटर्स जो है हमारे सेट हो गए। इसके बाद मुझे इस आर्क को दूसरे एंड पर, देखिए यहाँ से दूसरे एंड पर मुझे जो है इसे मिरर करना है, तो मैंने यहाँ से मिरर एंटिटीज पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, फिर मिरर अबाउट पर क्लिक किया, फिर इसके बाद देखिए मैं यहाँ लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर होके मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। अब हम ट्रिम यूज़ करेंगे, देखिए मैंने ट्रिम एंटिटीज पर क्लिक किया, ये इस तरह से ये हिस्सा पूरा ट्रिम हो जाएगा। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया, ट्रिम करके हम ये वाला हिस्सा भी जो है इसको बाद में कर लेंगे, मैं इसके पीछे बाहर निकल आता हूँ कमांड से। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, ये है लीनियर स्केच पैटर्न, यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए सर्कुलर स्केच पैटर्न आ गया। ऑटोकैड में जो पोलर एरे है वही है ये कमांड। अब हमने देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स के बारे में पूछा है, तो पैरामीटर्स तो हम यहाँ पहले क्लिक करते हैं। देखिए एंटिटीज टू पैटर्न, एक ये एंटिटी है, एक ये एंटिटी है और एक ये एंटिटी है, ये तीन एंटिटीज हैं। अब देखिए प्रीव्यू इसमें नज़र आ रहा है, तो पॉइंट वन जो है ये आपका ये सेंटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये चार की जगह देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए छः ऑब्जेक्ट जो है हमें चाहिए, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, देखिए छः ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पैटर्न होकर या फिर पोलर एरे कह सकते हैं आप इसको। ट्रिम एंटिटीज, देखिए यहाँ पर क्लिक किया ये हट गया, ऐसे ही पावर ट्रिम से हम यूज़ कर रहे हैं इसे, बीच का जो पोर्शन है इसे हमें ट्रिम करना है। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया, यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये स्केच जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए फीचर्स पर गए, यहाँ से हमें रेफरेंस ज्योमेट्री मिला, प्लेन पर क्लिक किया, अब रेफरेंस के लिए इस सरफेस पर क्लिक किया। अब देखिए इस डायरेक्शन में जो है ये प्लेन हमें ऑफसेट कराना है और वैल्यू कितनी होगी 55, तो मैंने 55 टाइप करके इंटरप्रेस किया। देखिए ये एक प्लेन यहाँ पर हमें ऑफसेट होकर मिल जाता है, मैंने ओके पर क्लिक किया। अब इस प्लेन पर हमें एक स्केच बनाना, देखिए उसमें क्या करना है, मैंने स्केच पर क्लिक किया, फिर यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, मैसेज आता है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने प्लेन 1 ले लिया, देखिए UCS यहाँ पर आ गया। अब कंट्रोल के साथ मैंने न्यूमेरिक 8 ये की दबाई, कंट्रोल की प्रेस करके
इस प्लेन पर स्केच बनाने के लिए मैंने स्केच कमांड पर गया मैं, और यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। मैसेज आया प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, प्लेन टू मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8 दबाया, देखिए घूमकर मेरे सामने आ गया इस तरह से। अब एक बार इसको फिर टिल्टेड पोजीशन में ही बनाते हैं। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट एंटिटीज, जैसे पहले हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था वही बनाएंगे। सेलेक्ट चेन पर देखिए पहले से क्लिक है। अब मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया। अब देखिए तीसरे वाले प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट पूरा पूरा बनकर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से मैंने एस्केप से मैं कमांड से बाहर निकला। अब यहाँ से मुझे लेना है क्या, स्केल एंटिटीज। अब ये ऑब्जेक्ट को पूरा विंडो बना के मैंने सेलेक्ट किया, स्केल अबाउट पर गए और इस पॉइंट पर क्लिक किया, और यहाँ पर वैल्यू जो 0.75 थी इसे कर दिया 0.5। तो ये वैल्यू जो है इस तरह से आपको नजर आने लगी। अब यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है, तो यहाँ से लिया मैंने रोटेट एंटिटीज, पूरे इसके चारों तरफ विंडो बनाई और यहाँ पर क्लिक किया, देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन इस बॉक्स में क्लिक किया। जब ये ब्लू से एक्टिव हो गया तो उसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया ये वाला। इसके बाद यहाँ पर रोटेशन एंगल दिया मैंने 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री टिल्ट हो गया, ओके पर क्लिक किया। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ से ओके पर क्लिक। तो ये तीन हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, किस तरह से बनाए आपने देखा। अब देखिए हम यहाँ से लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे। लॉफ्ट कमांड यूज करने के लिए देखिए मैंने यहाँ से फीचर्स पर क्लिक किया, ये है लॉफ्टेड बॉस ऑब्लिक बेस। पहले देखिए क्लिक, हमें सिलेक्शन कहाँ करना है इस पर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पॉइंट का रेफरेंस ले रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ देखिए इस पर क्लिक किया, ये पॉइंट हमारा सेलेक्ट हुआ। अब ये पॉइंट जो है ये इधर की तरफ रोटेशन हो रहा है, तो देखिए यही ऑब्जेक्ट जो छोटा होकर 15 डिग्री पर टिल्ट हो रहा है तो यही फॉलो कर रहा है। देखिए इस तरीके से देखिए ये प्रोफाइल बनकर आपके सामने आ रही है। अब तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, इस पर क्लिक किया। अब देख रहे हैं आप ये ऑब्जेक्ट जो है लॉफ्ट होकर हमको नजर आने लगा, इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से नजर आ रहा है। देखने में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप लग रही थी, लगभग एक जैसा ही प्रोसीजर है हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने जितने भी वीडियोस इस हेलिकल बेवल गियर से रिलेटेड अभी तक देखे हैं मेरे, तो उनमें प्रोसीजर लगभग एक जैसा है। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि हमें इस वाले फेस पर एक प्रोफाइल बनानी है जो हम एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद सर्कुलर पैटर्न करेंगे। तो देखिए एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, मैसेज आता है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं इस सरफेस पर क्लिक करता हूँ जाकर, और उसके बाद कंट्रोल के साथ कंट्रोल की प्रेस की और न्यूमेरिक 8 दबाया, देखिए घूम कर आ गया हमारे सामने। तो जो दूसरा वाला डायमीटर है हमें इस पर बनाना है ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से पहले कन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक किया और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, ये देखिए दूसरे वाला जो एज है इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये हमें इस तरह से देखिए बन के मिल जाता है, कंट्रोल 8, फिर हम वापस उसी पोजिशन में आ गए। इसके बाद यहाँ पर गए, देखिए सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक किया, ये इसी सर्कल का जो ये क्वाड्रेंट है इस पर क्लिक किया, और देखिए इस तरह से हमने अंदाजे से मतलब ये बनाया है। आप डायमेंशनिंग करते हैं इसकी, स्मार्ट डायमेंशन पर गए, इसे हमने कर दिया कितना 12, और यहाँ से इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कर दिया 38। तो ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। अब यहाँ से ट्रिम किया और ये पूरा हिस्सा रिमूव कर दिया, और ये देखिए तो हमको केवल इतना प्रोफाइल चाहिए था, ये स्ट्रेट और उसके बाद ये पोर्शन ऐसे कनेक्टेड और कर्व्ड, तो ये हमें मिल गया। यहाँ से देखिए मैं इसे टिल्ट कर रहा हूँ तो ऐसे नजर आ रहा है। ये इंश्योर करना है कोई भी एक सिंगल लाइन भी यहाँ पर ट्रिमिंग के, तो जब हम ट्रिम करें तो ओवरऑल पूरा ट्रिम हो जाए, सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट रहे, नहीं तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा। यहाँ से मैंने ये ट्रिम से बाहर निकले, एग्जिट पर क्लिक किया, तो देखिए ये प्रोफाइल आपको एक्सट्रूड होते हुए नजर आएगी, लेकिन अभी इस डायरेक्शन में जा रही है। हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या देनी 40, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए अब ये इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसे सर्कुलर पैटर्न करना, देखिए सर्कुलर पैटर्न पर गए। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन है हमारा ये सरफेस, और यहाँ फीचर्स एंड फेसेस की बात करें तो यहाँ से देखिए ये एक्सपेंड करेंगे इसे, ये बॉस एक्सट्रूड है, ये देखिए
यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ ये इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट अपने आप हाईलाइट होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये ऐसे दिखाई देगा। इक्वल स्पेसिंग पर क्लिक होना चाहिए, ये इंश्योर कीजिए, और 360 डिग्री यहाँ हो और यहाँ पर 10 हो और यहाँ से ओके। देखिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आ जाता है इस तरह से। अब दोस्तों हम इसका कलर और इसकी अपियरेंस कुछ चेंज करके देखते हैं। तो इसके लिए करेंगे, मैंने राइट इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही ये ऑप्शन आता है अपियरेंस का। तो यहाँ मैंने बॉडी पर क्लिक किया और यहाँ से कलर अगर लेना हो तो मैं पहले तो यहाँ से स्टील पर चले जाते हैं। स्टील पर अगर जाएंगे तो ये देखिए अलग अलग तरह के अपियरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं, मशीन में स्टील। ये इसके बाद और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा गैल्वेनाइज्ड, देखते हैं कैसा है। आयरन, स्टील में ही चेक करते हैं। इसे यहाँ से ट्रैक करा के इस पर रख दिया और ओके किया, इस तरह से दिख रहा है। और इसमें एक तो अपीयरेंसेस और हैं जो हमें देखनी है। आयरन पे देखते हैं यहाँ से, ये पेंटेड पर जाते हैं तो यहाँ से पाउडर कोटेड मिलता है। ये रहा डार्क पाउडर कोटेड, इसे हम लेंगे। ये आपको पाउडर कोटेड नजर आ रहा है। अब हम इसमें कोई कलर भी अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा और हमें देखने में अच्छा लगेगा। फिर से मैंने यहाँ से ये पेंटेड, यहाँ से हम कलर अगर लेना चाहें तो इस पर क्लिक किया, यहाँ से कलर अगर इस पर देखना चाहें आप तो कोटेड है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि सारे प्लेन्स वगैरह देखिए ये ऑफ कर दिया, और ये जो जितने स्केचेस हैं इन सबको जो है भी ले लिया, रिवॉल्व वाला स्केच ये भी ले लिया, इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया। देखिए अब ये इसकी अपीयरेंस कितनी रियलिस्टिक अपीयरेंस आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था हेलिकल बेवल गियर इन सॉलिडवर्क्स 2018। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मैं इसी तरह के और भी इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके लिए आपके पास कोई क्वेरी है या कोई किसी तरीके का सजेशन है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में डालें। Thank you very much.